नमस्कार मित्रों, यू आर वाचिंग शार्प मीडिया विद अंशुमान पांडे। और आज हम यहाँ पे कसिया थाने के सेमरा धूसी ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र 85 से 90 साल है, चंपा देवी मौजूद हैं। और यहाँ जैसा कि घटना प्रकाश में आई है, 9 दिन पहले इस उक्त चंपा देवी को, इनके परिवार के, इनके बच्चों को दौड़ा दौड़ा के इनके पटदारों द्वारा मारा पीटा गया। इसमें चंपा देवी की हाथ टूट गई, कुल्हे पे मारा गया, तमाम जगह। जैसे इस महिला को आप देख सकते हैं, इसकी उम्र 90 साल है। और क्या घटना घटी इस उम्र में, जहां जीवन की संभावना बहुत कम है और इतनी पीड़ा लोगों द्वारा दी गई। आइए हम जानते हैं कि उस दिन की घटना क्या थी और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। तो माँ, उस दिन 9 दिन पहले क्या घटना 23 तारीख को घटी थी, कैसे क्या हुआ बताएंगी आप? हम भारत जी साफ करते हैं, ये आपकी मकान है, ठीक? भारत नहीं साफ करते नहीं है, लड़का हमारे गाड़ी है या ढलेरा गड़िया लेकर निकल रहा जी। अब बस ये लोग घेर के बात के बाद बतियाओ लो लगे मारने, अब मार दिया लो जी। हम पहले लड़का को मार लिया लो जी, तने के बाद से हमारा का मार लो जी, और तने के बाद से डांडे पर पीछे पर छाती पर मार दिया लो। छाती पे भी मारा गया? हाँ। आपकी उम्र 90 साल है, हाथ तोड़ दिया गया? फिर क्या हुआ माँ? हाँ, उसके बाद आप अस्पताल गई, मुलैया उलैया हुआ? मुलैया कसिया भाई जी। 23 तारीख की घटना पे क्या कहना चाहेंगे, अभी तक क्या पुलिस की भूमिका रही है? जो है माता को मार दिया गया, हमको मार दिया गया, उसके बाद से न पुलिस आई। पहले तो हम लोग जो है बच्ची मार दी गई, हमारी जो है बच्ची घायल हो गई, उठा के लोग पटक दिए, बाल नोच दिए, और उसके बाद से नाना प्रकार का। क्या अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई या फिर कुछ? कभी कुछ नहीं महाराज, आते हैं और बात करते हैं और चले जाते हैं लोग, लेकिन कोई गिरफ्तारी या कोई कुछ होता नहीं है। हम गरीब की कैसे हो सकती है इस तरह की बात? क्या अपील करना चाहेंगे जोगेंद्र जी? श्रीमान जी, पहला आप अच्छा यह करना चाहेंगे कि हमारे सारे परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हमारी सुनिश्चित की जाए। और श्रीमान जी, हम जो है झगड़ा नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, और हमको जो है सुनिश्चित प्रकार जीने देने का जो है हक प्रदान किया जाए, ताकि हमारे ही घर में घुट घुट के हमको जीना न पड़े, हम स्वतंत्र तरह से जिए। श्रीमान, मुझे अपील है कि ये बुढ़िया माँ है 80 साल की, इनके हाथ तोड़ने के जुर्म में कम से कम इनको कठोर से कठोर सजा हो, यही मेरी मनोकामना है। ये धमकाना बंद कर दें और जो है नाना प्रकार का ये जो धमकी देते हैं, जान माल का खतरा बना रहता है, वह समाप्त हो जाए। क्या आप अकेले हैं, आपका कोई भाई? अकेले नहीं है, कोई हमारा भाई भाई थी और छोटे छोटे। ये पीड़ित करने वाले कौन कौन लोग हैं, नाम बताएं? एक का नाम जो है सबसे पहले पुरुषोत्तम पांडे है उर्फ सनाब राधा, और एक का नाम घनश्याम पांडे है, और एक दिन पहले ओम प्रकाश पांडे ने यह कार्य से पहले धमकी दिए थे और यह कार्य सुनिश्चित कर दिए। आपकी अपनी मकान है? जी श्रीमान, यही मेरी। और ये आपका, ये आपका सहन है दरवाजा? हाँ, जी यही हमारी सहन दरवाजा है, यूनों के डर के मारे यह लोहे का दरवाजा लगवाया हूँ, देखिए आए तो।